गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 7th साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 9, दैट इज सॉइल. एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉइल प्रोफाइलिंग, थ्री लेयर्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल टाइप. सो नाउ वी आर एट एक्टिविटी 9.3, पेज नंबर 99, राइट हैंड साइड. फर्स्ट विल रीड व्हाट बोगो वॉज टॉकिंग. तो बोगो वॉज लाइक, आई वॉन्ट टू नो वॉट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग ईदन पॉट्स, जो मटकाज एंड सुरेही. तो जो बूजो था उसने ये सोचा कि उसे ये चीज़ जाननी है कि किस टाइप की सॉइल एक्चुअली ऐसी होती है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो कि मटका हो गया या सुरेही हो गई. तो हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्ले लूमी एंड सैंडी सॉइल. अब आपको क्या करना है, तीनों टाइप की सॉइल का कलेक्शन करना है, ठीक है. उनका सैंपल्स लेना है, उसको अलग अलग डिवाइड करना है. टेक अ फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैम्पल, रिमूव एनी पेबल्स रॉक्स एंड ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट. नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल. अब आपको क्या करना है, हाथ में लेना है, जैसे आपने तीनों सॉइल का सैंपल ले लिया, फिर आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भर के आपको वो लेना है सॉइल, उसको डालना है और उसमें से पत्थर वत्थर सब हटा देने हैं, पत्थर घास वगैरह ये सब चीज़ें हटा देनी है उसमें से. और आपको क्या करना है, उसको नीट करना है, मतलब उसका आटा गूंथना है. थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल के उसका आटा गूंथना है. एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट अ बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट. अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका आटा लगाना है, ठीक है. ऐसी कोशिश करनी कि बॉल के फॉर्म में वो बनती जाए, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी. आपको क्या करना है, बॉल बनती जाए, वो चिपके ना, स्टिकी ना हो एक दूसरे से, मतलब हाथों पे ना चिपक रही हो, बॉल तो अच्छे से बन जानी चाहिए. ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल. अब आपको सॉइल से बॉल बनानी है. ऑन अ फ्लैट सर्फेस रोल दिस बॉल इन टू अ सिलेंडर, ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम इट फ्रॉम दिस सिलेंडर. अब आपको क्या करना है, वो बॉल लेनी है, उसको नीचे रखना है और उसका एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर टाइप का बनाना है. उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिंग फॉर्म करनी है. आपने सिलेंडर बना दिया, उससे आपको एक रिंग फॉर्म करनी है, क्या ठीक है. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल्स ऑल्सो. डस दिस एक्सटेंड टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट्स इट्स टाइप. अब ये चीज़ें आप बताएंगे कि आप तीनों सॉइल सैम्पल्स से ट्राई करेंगे, ठीक है. उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से सॉइल सैंपल से बन पा रहा है, कैसा बन पा रहा है, क्या उसके फीचर्स हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सॉइल है, सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है या लूमी सॉइल है. तो ये चीज़ से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स टॉयज एंड स्टैचूज़. अब ऐसी कौन सी सॉइल है जिससे स्टैचूज़ या ये सब बन सकते हैं, अब ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है. ये एक्टिविटी हम अपनी, अगर आपके घर में गार्डन है या ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ ट्राई करें. जैसे ये फिगर देख पा रहे हैं 9.4, इसमें पहले आपने आटा ए जो लिखा हुआ है उसमें, मतलब ए जो डायग्राम है उसमें आपने देखा है कि वो उसका आटा लगा रहा है. बी में आटा लग चुका है, जो सी है मींस बॉल बनाई है. डी में फिर आपको क्या करना है, रिंग सिलेंडर बनाना है और उस सिलेंडर की एक रिंग बनानी है जो कि ई डायग्राम में है, ओके. नाउ वी आर एट द टॉपिक 9.4, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. अब ये चीज़ हमने क्या देखी है कि हमने soil तो list कर ली, ठीक है, soil के क्या क्या uses हैं. अब हम ये चीज़ें देखेंगे कि ऐसी कौन सी activities, हम कुछ ऐसी activities करेंगे जिससे characteristic पता पड़े soil के, कैसा उसका characteristics है. First हम देखेंगे percolation rate of water in soil. Percolation rate हम इसमें identify करेंगे. पहेली एंड बोजो मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 cm × 50 cm ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अनदर ऑन द कच्चा रोड. अब उनको क्या करना है, उनने 50 × 50 cm का, मतलब ये 50 और ये 50, ऐसा उनने बॉक्स स्क्वायर मार्क किया है. एक उनने मार्क किया है अपने घर में, जो उनका नॉर्मल घर में जो फ्लोर है उसमें, और एक उनने कच्चा रोड के ऊपर जहाँ पे रोड नहीं बनी हो, मिट्टी हो, ठीक है. They fill two bottles of the same size with water, okay, and they emptied the water from the bottle on each and the same time at the same time in two squares. आपको अब क्या उन्होंने क्या किया, दो bottles fill करी,
ठीक है, सेम से सेम पानी था उनमें, सेम अमाउंट की बॉटल थी। उनने क्या किया, एक बॉटल को तो वो जो घर का जो फ्लोर है उसमें उन्होंने डाला, पोर कर दिया, और एक उन्होंने पोर किया जो कच्चा रोड उन्होंने देखा था वहाँ पे पोर करा। ओके, दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब ऑन द कच्चा रोड, ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब। अब क्या चीज़ देखी उन्होंने, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर उन्होंने घर के फ्लोर पे डाला था वो पानी बह गया, ठीक है, वो फ्लो हो गया, बह गया, फ्लो डाउन, बट जो कच्चा रोड पे था वो एक्चुअली में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, जो कच्चा रोड था उसने उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो नॉर्मल घर में किया था वो बह चुका था, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम लोग परकुलेशन रेट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। बोजो वंडर्ड why there was a difference in the absorption of water in the two squares. अब बोजो ने क्या सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उसने ऐसी चीज़ सोची कि यार ये क्यों हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है, वहाँ पे अलग एब्जॉर्प्शन है, वहाँ पे तो है ही नहीं एक जगह, दूसरी जगह अलग एब्जॉर्प्शन है। ओके, सो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जिससे हमें ये पता चले कि परकुलेशन रेट एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इन द थ्री टीम्स। अब आपको इसके लिए क्या करना है, अपने आप को थ्री टीम्स में डिवाइड करना है। ओके, नेम द टीम ए बी एंड सी, तीनों टीमों में डिवाइड करना है, ए बी सी में आपको तीन को डिवाइड करना है। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। अब आप इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे कि कितना जल्दी पानी सॉइल के अंदर चला जा रहा है, ठीक है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप, इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। अब क्या है, इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। अब ये चीज़ होनी चाहिए कि जो डायमीटर हम लोग ले रहे हैं पाइप्स का, हमें दो पाइप लेने हैं, ठीक है, तीन पाइप लेने हैं एक्चुअली तीनों टीमों के लिए, हॉलो पाइप हो या कोई सिलेंडर हो इस टाइप का। अब उन्हें क्या करना है कि जो पाइप का सिलेंडर या वो जो ले रहे हैं, ठीक है, पाइप ले रहे हैं या सिलेंडर ले रहे हैं, उसका डायमीटर सेम होना चाहिए, सेम मोटा होना चाहिए, और लंबाई और उसकी जो चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए तीनों टीमों के लिए। सम सजेशंस फॉर द ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। अब उस पाइप को लेने के लिए कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो हमें दिए गए हैं, क्या, या तो आप टिन का कैन ले लें, ठीक है, टिन का जो कैन होता है गोल, आप वो ले सकते हैं, कट ऊपर से और नीचे से उसको कट कर दें, ऊपर से तो ऑब्वियसली उसका ढक्कन हटा होता है, नीचे से आप उसे कट कर दें, या आप पीवीसी पाइप ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर डायमीटर का। पीवीसी पाइप अगर आपने देखा हो जो घर में हमारे नॉर्मली पाइप्स लगे होते हैं वो वाले पाइप्स, एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, डायमीटर होना चाहिए उसका 5 सेंटीमीटर। एट द प्लेस वेर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब हम यहाँ रीड कर रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ, ओके, बेसिकली यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो इट इज़ द प्लेस वेर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब आपको क्या करना है, सॉइल लेनी है, कलेक्ट द सॉइल, आपको सॉइल कलेक्ट आपने जहाँ पे करी है वहाँ पे आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर आपको उसको ग्राउंड के अंदर डालना है, ठीक है, और 200 ml ऑफ वाटर इन द पाइप स्लोली। आपको क्या करना है, धीरे धीरे 200 ml पानी उसमें डालना है। जो आपने क्या किया, मिट्टी ली, उसके ऊपर आपने एक सिलेंडर लगा दिया या बॉटल लगा दी, अब आपको क्या करना है, उसको 2 सेंटीमीटर अंदर डालना है बस, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर 200 ml पानी डालना है, ठीक है, धीरे धीरे। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड। अब क्या करना है, धीरे धीरे आपको उसमें पानी डालते हुए वो टाइम नोट करना है जब आप पानी डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। When all the water has percolated, leave the pipe empty. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने उसमें पानी डाला, आराम आराम से पानी डालना है धीरे धीरे, और पूरा जब तक खाली नहीं हो तब तक उसका टाइम नोट करना है, जैसे ही वो पूरा खाली हो जाता है आपको उसका टाइम नोट कर लेना है, ठीक है। Be careful not to let the water spill out or run down on the sides of the pipe while pouring. अब आपको ये चीज़ नोट करनी है केयरफुली कि जो पाइप है ना, तो उससे पानी बाहर की साइड गिरे, ओके, ना ही वो पानी बह जाए, वो अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला।
अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओके। ये फॉर्मूला ओके। परक्युलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परक्युलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कितना अमाउंट लिया हमने, 200 ml, और परक्युलेशन टाइम मीन्स कितने टाइम में वो अंदर चला गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परक्युलेट। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको 200 ml हमने लिया था, कितना टाइम लगा उस चीज़ को, एक सैम्पल सॉइल सैम्पल के लिए 20 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे 200 by 20, जैसा इसमें किया हुआ है, ओके। 200 by 20 करेंगे तो परक्युलेशन रेट आ जाएगी, ओके। कैलकुलेट द रेट ऑफ परक्युलेशन इन दिस इन योर सॉइल सैम्पल, कंपेयर योर फाइंडिंग आउट विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैम्पल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परक्युलेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट योर रेट ऑफ परक्युलेशन एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ आपको कंपेयर करना है कि उनका कितना आया सॉइल सैम्पल में और आपका कितना आया, ठीक है। ये एक्टिविटी हम तब करेंगे जब आप एक बार क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, श्योरली विल डू दिस, ओके। ये आपकी परक्युलेशन रेट आ जाएगी, जैसे 200 upon 20, तो 200 upon 20 कितना होता है, 10 ml per minute, जैसे इसमें है 10 ml per minute, दिख रहा होगा आपको 200 upon 20 और 10 ml upon 1 minute, ओके। सेशन में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड ये वाली एक्टिविटी अगर आप घर पे कर सकें तो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, अपना काम रोज कॉपी में कंप्लीट करिए। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।